সীমান্তের উন্নয়নে কেন্দ্রকে সহায়তা করছে না রাজ্য। মেকরিগঞ্জে এসে এমনটাই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বার্লা। এদিন একগুচ্ছ কর্মসূচিতে মেকরিগঞ্জে এলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বার্লা, সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী, মেকলিগঞ্জ মণ্ডল সভাপতি দদিরাম রায় সহ অনেকে। শনিবার দুপুরে প্রথমে মেকলিগঞ্জের তিন বিঘা করিডোরে যান তিনি। তিন বিঘা করিডোর পরিদর্শনের পাশাপাশি সীমান্তের কথা নিয়ে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর কুচলিবাড়ির বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা কিরণবালা ওরাওয়ের বাড়িতে যান তিনি। সেখান থেকে তাকে আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে বরণ করা হয়। মন্ত্রী কুচলিবাড়ির বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক আলোচনা করেন। পাশাপাশি কুচলিবাড়ির আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের বিভিন্নভাবে অভাব অভিযোগ শুনে তাদের পাশে থাকার বার্তা দেন। এদিন মেকলিগঞ্জ শহরে মেকলিগঞ্জ টাউন ও মেকলিগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক আলোচনা করেন জন বার্লা। দলীয় কর্মসূচির পর মন্ত্রী বলেন, সীমান্তে যেভাবে উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল সেভাবে উন্নয়ন করেনি রাজ্য সরকার। চ্যাংরাবান্ধা থেকে সন্তোষ শর্মার প্রতিবেদন, সি নিউজ। নমস্কার দোস্ত, মাই সন্তোষ কুমার শর্মা অভি তিন বিঘা করিডোর পে খড়া হুঁ। কেন্দ্রীয় সরকারকে অনগ্রসন রাজ্যমন্ত্রী জন বার্লা সাহেব আজ তিন বিঘা করিডোর পরিদর্শন কিয়া। উনে বিএসএফ কে আধিকারিক সাথ মে এক মিটিং কি ওর তিন বিঘা করিডোর কি জানকারি লি। উনে পতা পড়া তিন বিঘা করিডোর কা বহুত সারা এলাকা খুলা সীমা হ্যায়, ইসে বিএসএফ কে জওয়ান কো সর কা দর্দ বন গয়া হ্যায়। क्यों ये सड़क से आई भी पड़ती है, 100 मीटर भी नहीं लगती है। इसी का फायदा भारतीय तस्कर और बांग्लादेशी तस्कर करते हैं। अभी धुंध का मौसम आ रखा है, इसे बीएसएफ के जवान को ड्यूटी करने में काफ़ी परेशानी होती है। उन्हें बताया कि इसी मुद्दा को लेकर मैं दिल्ली में जाऊंगा। मेरे साथ जलपाईगुड़ी के एमपी जयंत्रो राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, दार्जिलिंग के एमपी राजू बिष्टा को लेकर मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करूंगा और हम लोग फिर तीन बीघा कॉरिडोर परिदर्शन करेंगे। बाद में उन्हें कुचलीबाड़ी आदिवासी पाड़ा में गए, वहां पे आदिवासी लोगों से मुलाकात की। वो लोग काफ़ी राज्य सरकार की सुविधा से वंचित है, वहां पे पानी, शौचालय, उनको इंदिरा आवास, सरकारी नौकरी से वंचित है। उन्हें बताया, इसकी भी मैं जानकारी दिल्ली में दूंगा। क्या कहते हैं जॉन बार्ला साहब तीन बीघा सफर पे आके, मैं उनकी आपको एक एक बातें सुनाने जा रहा हूं। तीन बीघा कॉरिडोर से संतोष कुमार शर्मा, सी न्यूज। जॉन बार्ला साहब, आज तो पहले भारत बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल सीमा है तीन बीघा कॉरिडोर, आप सर तीन बीघा कॉरिडोर सर देखने आए सर, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, मैंने केवल सुना था, आज मैं अपना आंखों देखी है, मैंने देखा है। तो यहाँ कुछ कुछ समस्या है बॉर्डर एरिया में, जिस प्रकार से तेजी से काम होना चाहिए, रास्ता घाट, पानी का व्यवस्था, यहाँ लोगों को सुख सुविधा, स्कूल, लाइट का व्यवस्था होना चाहिए, इससे यहाँ का लोग वंचित है। राज्य सरकार थोड़ा अनदेखी कर रही है बॉर्डर एरिया में। राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो काम करना चाहते हैं, राज्य सरकार का कुछ कुछ बाधाएं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ अगर अगर मिल के अगर काम होता तो बहुत आगे निकल जाता। और हम चाहेंगे, हम देखे हैं, हमारे इस क्षेत्र का एमपी जयंत राय से बातचीत करेंगे। ये जो तीन बीघा के एरिया में कुछ एरिया करीबन 30-40 हजार लोग वहाँ पर बसते हैं, इंडिया के अंदर ही, इंडिया के बीचा बीच में वो बस गया है। अगर उसको फेंसिंग बॉर्डर एरिया को, अगर उस एरिया को अगर फेंसिंग किया जाता तो बहुत ही बेटर होगा। तो इसके लिए हम लोग सरकार से बात करेंगे, केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से बात करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी फेंसिंग किया जाएगा। तो यहाँ का जो भी दुर्प्रचार सब हो रहा है, यहाँ पर गौ प्रचार हो रहा है, अप्रिय घटना सब अनुप्रवेश हो रहा है, लोग यहाँ से दूसरे राज्य में हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं, ये रोका जा सकता है।
हजार हजार लोग यहाँ से निकल के ये बाउंड्री नहीं होने से, फेंसिंग नहीं होने से वजह से वहाँ से लोग यहाँ से निकल के आस्ते आस्ते निकल के यह सब मिली भगत। यहाँ राज्य सरकार के पुलिस सब भी उतना ध्यान नहीं दे रहा, जिसके कारण से निकल के दूसरा राज्य जैसे केरला हुआ, बहुत सारा देश के हर कोने में वो सब चले जा रहे हैं। तो सर ये जो 3 बीघा सर कॉरिडोर का सर आसपास का एरिया में अभी भी सर बहुत फेंसिंग नहीं है सर, वहाँ से घुसपैठ हो रहा है सर, वहाँ पर से गायों की तस्करी हो रही है। असल में BSF के जवान कुछ नहीं कर पाते हैं, क्यों? अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, घना कुआसा पड़ रहा है, 10 गज की दूरी भी उनको सर दिखाई नहीं पड़ती है। बहुत दिन पहले भारत सरकार ने बताया था कि 3 बीघा के एरिया में हमें फेंसिंग लगा देंगे सर, अभी भी सर फेंसिंग का काम सर रुका पड़ा हुआ सर। इसको मैं अपने आंखों देखे देख के गया है और मैं इसको सीरियसली ही मैं ले रहा हूँ और मैं जाके इस बात को पूरा डिटेल रिपोर्ट मैं भारत सरकार के पास रखूंगा। सर अमित शाह जी से बात करेंगे 3 बीघा के? जरूर 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 बात करूंगा, जरूर मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा। अच्छा सर वो तो गया सर, 2 नंबर बस सर बात ऐसी है सर, आज आप सर मैं कुचलीबाड़ी में सर आदिवासी पाड़ा में आया, ठीक है सर, ये लोग सर यहाँ पे 1500 जन यहाँ पे रहते हैं सर, ठीक है सर, इनके पास बिजली की कोई सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, शिक्षा से वंचित है, सरकारी इंदिरा आवास इनको नहीं मिलते हैं, उनको सर सरकारी नौकरी से वंचित है सर ये लोग। इसीलिए मैं आया हूँ, इसी कारण से आया हूँ मैं देखने, मैं उनसे मिला, आदिवासी समाज से मिला मैं। हम लोग बहुत सारा स्कीम है केंद्र का, राज्य सरकार तो ये राज्य सरकार का काम था ये करना, उनका पंचायत है, उनका समिति है, उनका सरकार है, वो का उनका देखने का काम था, लेकिन नहीं देख रहा है। लेकिन अगर केंद्र सरकार, मैं केंद्र सरकार का बहुत सारा स्कीम है डायरेक्ट है के द्वारा, हम लोग अगर सोलर चूल्हा बना देंगे, सोलर लाइट बना देंगे, ऐसा अगर व्यवस्था कर देंगे तो, और पानी का व्यवस्था कर देंगे तो आने वाला दिन यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगा। मैं रिपोर्ट लेके जा रहा हूँ, सारा रिपोर्ट लेके हम लोग मंत्री हमारे यहाँ के MP से, यहाँ का लोकल हमारा पार्टी का नेतृत्व है, बातचीत करके हम लोग यहाँ का पूरा रिपोर्ट हम लोग कलेक्शन किए हैं और जाके हम लोग इसका जल्दी से जल्दी समाधान करेंगे। सर सर इनको सर कब तक सुविधा मिल जाएगी सर? देखिए डेडलाइन तो नहीं दे सकता हूँ, देखिए राज्य सरकार है, राज्य सरकार को भी इसमें केंद्र सरकार को कोऑपरेशन करना, तब तो इनका जल्दी से ये सुविधा मुहैया हो जाए। सर कुछ नहीं बड़ी सर, मैं यहाँ पे 50,000 सर लोग रहते हैं, ठीक है सर, 50,000 सर यहाँ पे लोग रहते हैं सर, सबसे बड़ी बात है सर हॉस्पिटल नहीं है सर यहाँ पर। देखिए यही तो हमारा मंत्रालय से भी हम लोग इस क्षेत्र में खोल सकते हैं, लेकिन इसमें राज्य सरकार का लैंड अगर कहीं पर अगर बनाएंगे तो लैंड का प्रॉब्लम होगा, तो लैंड तो राज्य सरकार देगी, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। सर सर मेरा लास्ट प्रश्न सर, सर आपने सर कुछ दिन पहले सर एक दावी किया था कि